नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 कवर करने वाले हैं जिसमें मनी मार्केट दिया हुआ है। ये मनी मार्केट पे हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम ट्रेजरी बिल्स पे बात करेंगे। देखिए, मनी मार्केट होता क्या है पहले आप समझिए। मनी मार्केट इज़ द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स रेंजिंग फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर। एक दिन से लेके 1 साल तक का ये शॉर्ट टर्म का मार्केट है। मनी मार्केट इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट टू मनी। जो मनी के क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं उनका इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया जाता है। सिंपल भाषा में समझिए, ये शॉर्ट टर्म का मार्केट है। पहली बात तो मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बाइंग सेलिंग की जाती है। जैसे आपको समझिए मोबाइल खरीदना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाएंगे, आपको ग्रोसरी खरीदनी है तो आप कहाँ जाएंगे, ग्रोसरी शॉप में जाएंगे। ऐसे ही अगर मनी का ट्रांजैक्शन करना है तो आपको मनी मार्केट में जाना होगा जहाँ पैसों का लेन देन होता है। अब देखिए इस मार्केट के फीचर्स क्या हैं। पहला तो इसको आरबीआई कंट्रोल करती है, आरबीआई मैनेज करती है, पहला फीचर, ठीक है। दूसरा, ये शॉर्ट टर्म का मार्केट है यानी 1 डे से लेकर 1 ईयर का मार्केट है। यहाँ 1 ईयर का मतलब होता है 364 डेज, ओके। तीसरा है, ये मार्केट आपके हमारे लिए नहीं है, ये है बड़ी कंपनीज का मार्केट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मार्केट, ये स्टेट गवर्नमेंट का मार्केट, ये बैंकों का मार्केट। ये आपका हमारा मार्केट नहीं है, आपके हमारे लिए कैपिटल मार्केट है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म फॉर डिमांड सप्लाई। जो डिमांड सप्लाई है उसमें इक्विलिब्रियम बिठाना, यानी कि डिमांड और सप्लाई को मैच करना, इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, एनेबल्स बोरोअर एंड लेंडर टू मीट देयर नीड एंड मार्केट रिलेटेड प्राइस। देखिए यहाँ पे जो प्राइस है मार्केट तय करता है, इसलिए बोरोअर और लेंडर दोनों की जरूरत पूरी होती है मार्केट प्राइस पर। प्रोवाइड एन एवेन्यू टू आरबीआई टू इन्फ्लुएंस क्वांटम एंड कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी। कॉस्ट और क्वांटम जो है लिक्विडिटी का, उसको प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई को एक एवेन्यू देता है, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें पार्टिसिपेंट कौन है? इसमें पार्टिसिपेंट हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक, बैंक के पार्टिसिपेंट करती हैं, परंतु आरआरबी को इसमें परमिशन नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक्स पार्टिसिपेट कर सकती है परंतु लैंड डेवलपमेंट बैंक को परमिशन नहीं है। इसके अलावा प्राइमरी डीलर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओके। अब आगे चलते हैं। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट डिपेंड्स अपॉन। मनी मार्केट का जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? द नंबर, वॉल्यूम एंड वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। कितने वॉल्यूम पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितने नंबर्स ट्रांजैक्शन के हैं और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। देखिए, इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ आपको दिए, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में अवेलेबल हैं जिन पर काम होता है। द नंबर ऑफ ट्रेडर्स यानी बायर सेलर ऑपरेटिंग इन द मार्केट, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मार्केट में बायर सेलर्स होने चाहिए। और सेटलमेंट प्रोसीजर कैसा है, ये सब इसके फीचर्स हैं जिससे मनी मार्केट चलता है। मनी मार्केट के लिए कंडीशन क्या है कि बायर सेलर होने चाहिए, सेटलमेंट फास्ट होना चाहिए और दूसरा वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, नंबर अच्छे होने चाहिए ताकि ट्रेडिंग आसान हो सके, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो मनी मार्केट में इस्तेमाल होते हैं। पहला है ट्रेजरी बिल, जिस पे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम सीडी बोलते हैं, ये बैंकों के लिए है। बैंकें जब बल्क डिपॉजिट लेती हैं तो सीडी के थ्रू लेती हैं। फिर एक कमर्शियल पेपर, ये कंपनीज के लिए है, कंपनीज को पैसा उठाना है तो कमर्शियल पेपर के थ्रू लेती हैं। फिर एक कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी मार्केट, 1 दिन का 2 दिन से 14 दिन का या 15 दिन से 1 साल का मार्केट जो है कॉल नोटिस मनी मार्केट कहलाता है, जिसमें बैंकें आपस में पैसा लेती देती हैं। फिर है रेपो, रिवर्स रेपो और इसके बाद है कमर्शियल बिल। सभी पे हम आगे के वीडियोज़ में चर्चा करेंगे, इस वीडियो में हम ट्रेजरी बिल पर बात करने वाले हैं। अब देखिए, मनी मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये मार्केट ड्राइव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। कैलकुलेशन एज पर मेथोडोलॉजी गिवन बाय फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया FIMMDA, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में। FIMMDA क्या है? फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन है। ये मनी मार्केट के सारे ट्रांजैक्शन को, ये फिम्दा जो है FIMMD है, ये मनी मार्केट के सारे ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको वॉच करता है। हालांकि रेगुलेटर इसका आरबीआई है, परंतु आरबीआई चूंकि सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए ये काम उन्होंने FIMMDA फिम्दा यानी फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन को दिया हुआ है, ओके। अब देखिए इसमें ट्रेड्स और रिपोर्टिंग कैसे होती है। ट्रेड्स कंडक्टेड ओवर फोन पे होते हैं एंड ऑन NDS प्लेटफॉर्म। NDS प्लेटफॉर्म क्या है? NDS है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। ये आरबीआई का एक पोर्टल है जिस पर ट्रेजरी बिल के ऑक्शन होते हैं. इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम ऑफ आरबीआई फॉर नेगोशिएटिंग मनी मार्केट डील बिटवीन, यानी ये पोर्टल है आरबीआई का जिस पे स्क्रीन बेस्ड ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रेजरी बिल्स के ऑक्शंस होते हैं. ठीक है, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डील्स थ्रू आरटीजीएस, जो भी सेटलमेंट होता है वो आरटीजीएस के थ्रू सेटल हो जाता है. तो ये हमारी मनी मार्केट पे बात हो गई. आगे हम ट्रेजरी बिल्स पे देखते हैं, ट्रेजरी बिल्स आखिर में क्या होते हैं. अब आ जाते हैं हम ट्रेजरी बिल्स पे. देखिए आप जानते हैं ट्रेजरी, ट्रेजरी वर्ड का हिंदी में मतलब क्या है, खजाना. ठीक है, तो ये सरकारी खजाना है एक तरह से. यूसेंस प्रेमिसरी नोट ऑफ गवर्नमेंट टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशंस. अब आप समझिए, कंपनी को उधार लेना है, बड़ी कंपनी को उधार लेना है तो कमर्शियल पेपर के थ्रू उधार लेंगी. बैंकों को पैसा चाहिए, बल्क डिपॉजिट चाहिए तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से लेंगी. और अगर सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार कैसे लेगी, सरकार भी उधार लेती है. सरकार को अगर पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसको हम ट्रेजरी बिल बोलते हैं. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो ट्रेजरी बिल के थ्रू पैसा गवर्नमेंट रेज करती है, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू करती है और अपने बैंक से यानी आरबीआई से कहती है इसको मैनेज करने के लिए, तो आरबीआई इसको मैनेज करता है. अब देखिए इसका टेन्योर जो होता है, मैं यहाँ से चलूँगा, इसका टेन्योर है देखिए मिनिमम 91 डेज का और मैक्सिमम 364. मैंने आपको बताया 1 ईयर तक का ये मार्केट है और 1 ईयर का मतलब यहाँ 364 डेज होता है. ओके, इसका टेन्योर है 91 डेज, 182 डेज, 3 ब्रैकेट में ये काम करता है. अमाउंट है इसका मिनिमम 25,000 और उसके मल्टीपल में इशू होते हैं. तीसरा ये जीरो कूपन है, जीरो कूपन यानी डिस्काउंट पर इशू होते हैं. इन सेकेंडरी मार्केट कोटेड ऑन ए यील्ड बेसिस विद ए मिनिमम दिस वन एट रिडेम्पशन. कब होता है इनका, एट पार वैल्यू पर. डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड पार वैल्यू रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, यानी डिस्काउंट पर इशू होते हैं और पार वैल्यू पे पार वैल्यू इनकी मिलती है जब ये मैच्योर होते हैं, तो जो डिफरेंस है वही इनका जो गेन है. 1917 में ट्रेजरी बिल की हिंदुस्तान में शुरुआत हुई. ठीक है, इसका सेटलमेंट जो होता है वो T+1 बेसिस पे होता है, यानी कि सेकेंड डे इसका सेटलमेंट होता है. और यील्ड ऑक्शन पे तय होती है इसकी कि कितना यील्ड मिलना है. अब इसका देखिए ऑक्शन कैसे होता है. इन्वेस्टर कौन है इसमें, फर्म, कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, बैंक, ये सब पैसा लगाती हैं, ट्रेजरी बिल्स खरीदती हैं. तो आपको क्या समझ में आया ट्रेजरी बिल से. ट्रेजरी बिल देखिए मैंने आपको बताया, अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो कमर्शियल पेपर से लेती है, बैंक को पैसा चाहिए सर्टिफिकेट डिपॉजिट से लेती है, और गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो ट्रेजरी बिल के थ्रू लेती है. ट्रेजरी बिल एक डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट इशू करती है और अपनी बैंक यानी आरबीआई को बोलती है उसको मैनेज करने के लिए. आरबीआई ने उसके लिए 3 ब्रैकेट बनाए हुए हैं टेन्योर के, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, जहां पे उनका ऑक्शन होता है. अब देखिए ऑक्शन का मैंने आपको बताया 91 डेज, इसका ऑक्शन वेडनेसडे को होता है. ठीक है, एवरी वेडनेसडे को इसका ऑक्शन होता है और सेटलमेंट T+1 में है तो थर्सडे को इसका सेटलमेंट हो जाएगा. 182 डेज वाला है वो वेडनेसडे को ऑक्शन होता है पर नॉन रिपोर्टिंग वीक को. नॉन रिपोर्टिंग वीक का मतलब क्या हो गया, देखिए 4 वीक होते हैं महीने में, 4 हफ्ते होते हैं. 4 हफ्ते का मतलब ये हो गया कि सेकंड और फोर्थ जो आपका फ्राइडे है, सेकंड और फोर्थ फ्राइडे है वो तो रिपोर्टिंग वीक कहलाएगा, और फर्स्ट और थर्ड जो आपका फ्राइडे है वो नॉन रिपोर्टिंग कहलाता है. तो फर्स्ट और थर्ड वेडनेसडे को इसका ये इशू किए जाते हैं, फर्स्ट और थर्ड वेडनेसडे को. सेटलमेंट वही थर्सडे को हो जाएगा. और 364 वाले सेकंड और फोर्थ को, सेकंड और फोर्थ वेडनेसडे यानी रिपोर्टिंग वीक को, क्योंकि सैटरडे ऑफ होता है ना, और सेटलमेंट इसका हो जाएगा सेम थर्सडे को. ठीक है, तो ये इनका सेटलमेंट का सिस्टम चलता है. इसके अलावा ट्रेजरी बिल मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एमएसएस क्या होता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, यानी जब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा आ जाती है, एफआईआई ने माना पैसा डाल दिया, तो गवर्नमेंट को उसको मैनेज करने के लिए, गवर्नमेंट को एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, यानी कि मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं आए या बहुत कम नहीं हो, वो सेटल करने के लिए कई बार एमएसएस के थ्रू भी 91 डेज के, 182 डेज के ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट इशू करती है. तो ये सिस्टम है हमारा मनी मार्केट का, जिसमें आपका सीपी, सीडी, रेपो, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल्स, ये सब कवर होते हैं. ट्रेजरी बिल हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं. अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कमर्शियल पेपर, सीपी और सीडी के बारे में, कॉल मनी, नोटिस मनी के बारे में, रेपो, रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन्स के बारे में. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा.